सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के थे। पुतला बनाने वाला ठेकेदार मुख्यमंत्री का गांव का था, ठाने वाला। अभी पुतला टूट गया, महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया है। इस प्रकार का चित्र भी हमें कभी देखना पड़ेगा कि इस महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा पुतला हमारे सामने टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो भी उनके किले पर। अब ये बोलते हैं कि बहुत जोर से हवा चली। हवा महाराष्ट्र में जोर से चलती है, लेकिन फिर भी बहुत से पुतले समुन्द्र पे है और किले पे है, बनाए है। हवा आपके दिमाग में चली गई सत्ता की। 1933 में गिरगांव चौपाटिया ने समुद्र में लोकमान्य तिलक का पुतला बनाया था। 1933 में समुद्र में, वहां भी हवा है, वो भी समुद्र है, वो आज भी मजबूती से खड़ा है, लोकमान्य तिलक का पुतला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के ऊपर एक पुतला बनाया पंडित नेहरू जी ने। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी आए थे उस वक्त, उनके हाथों से उस छत्रपति जी के पुतले का अनावरण हुआ था, वो आज भी मजबूती से। लेकिन 8 महीने में सिंधुदुर्ग किले का, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जिस तरह से उध्वस्त हो गया, हमने देखा, वो बहुत बड़ी चोट है। भ्रष्टाचार उस काम में है जहां राष्ट्रभक्ति का नाम लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के काम में भी वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अब लाडली बहना हमारे लाडले राजा को नहीं संभाल सकते, आप लाडली बहना की बात करते हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने जा रही है।